सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा शमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, 21 सितंबर से और 29 सितंबर तक माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं, जो कि शारदीय नवरात्र के रूप में हम लोग मनाते हैं। मित्रों, इन शारदीय नवरात्र का पावन पर्व जो 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, इस दिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि किस समय हमको करना चाहिए कलश की स्थापना, कलश अर्थात कुंभ की स्थापना। जी हाँ मित्रों, तो 6:03 से 21 तारीख की सुबह 6:03 से लेकर के 8:22 तक का जो समय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शुभ है। इसके बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें भी कलश की स्थापना हम करें। सूर्योदय से 10 घड़ी तक या अभिजीत मुहूर्त में हम कलश की स्थापना करें तो कलश देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और 21 तारीख को ये जो शुभ समय है, ये यही शुभ समय है, इस समय हमको कलश की स्थापना अपने अपने घरों में करनी चाहिए, अपने प्रतिष्ठानों में करनी चाहिए, अपने घरों में करनी चाहिए। दिशोभाव राशियों अर्थात दिशोभाव जो लग्न होती है उसमें कलश की स्थापना करना अत्यधिक श्रेयस्कर माना गया है, शुभ माना गया। तो दिशोभाव लग्न में जब ठीक होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपको बताएं कि दिशोभाव लग्न में कौन कौन सी राशियां होती हैं, कौन कौन सा वो लग्न का समय होता है, कौन कौन सी राशियों में दिशोभाव राशियों को लग्न होती है। तो दिशोभाव राशियां जो होती हैं वह मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ, ऐसी राशियां दिशोभाव राशियां होती हैं। इसी लग्न में हमको घट की स्थापना करनी चाहिए, कुंभ की स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए, माता की चौकी को हमको लगाना चाहिए अपने घरों में। इसी समय दिन का ये जो समय है 6:03 से 8:22 तक का, ये समय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शुभ है और हम सभी को आनंद प्रदान करने वाला है। तो कन्या लग्न में कर सकते हैं और शुभ बन जाता है। तो कन्या लग्न जो है इसमें ये और आपको आनंददायक होगी, शुभ होगी। और मित्रों, एक बात और आपको बताएं कि कलश की स्थापना जब हम करें तो उसका जो कलश होता है, मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का भी कलश हो, तो कलश सदैव हम लोटे में ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कलश का जो आकार होता है, जो स्वरूप होता है मित्रों, 3 भागों में होता है। जैसे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। और जब कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना में जितने भी वेद हैं, जितनी भी नदियां हैं, सभी आकर के उसमें स्थान ले लेते हैं, स्थापित हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कलश की स्थापना लोटे में क्यों करनी चाहिए या मिट्टी का घड़ा हो उसमें क्यों करनी चाहिए, ग्लास में क्यों नहीं कर सकते। तो मित्रों, कलश की स्थापना इस वजह से की जाती है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्राः समाश्रिता, मूले तु स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाः स्मृता, कुक्षौ तु सागरः सर्पे, सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगस्य कलशस्य संहिता समाश्रिता, अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्तच्छयकारिकः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्मिन् सन्निधं कुरु। इसमें जितने भी हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का इसमें निवास होता है। तो इसलिए कलश हमको लोटे का या मिट्टी के पात्र का या तांबे का ऐसे ही बनाना चाहिए। और उस कलश के अंदर हमको रोली, सुपारी, चावल, वस्त्र के रूप में थोड़ी सी मौली और उसमें मिट्टी,
उसके अंदर दूर्वा घास, उसके अंदर फूस पुष्प, ये सब कलश के अंदर डालते हैं और उसको जल से परिपूर्ण करते हैं, जल से भरते हैं उस कलश को। इसके बाद में मित्रों कलश के ऊपर हम पंच पल्लव रखते हैं। पंच पल्लव आम, बरगद, पीपर, गूलर, पाकर, जामुन, ये पंच पल्लव में आते हैं। तो अगर पंच पल्लव मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो केवल आम का पत्ता ले लीजिए और उस कलश के ऊपर उसको रख दीजिएगा। उसके ऊपर फिर एक पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र का मतलब होता है पूर्णता, अर्थात चावल भर करके एक प्याली में, कटोरी में उसके ऊपर रखते हैं। फिर उसके ऊपर हम श्रीफल रखते हैं। श्रीफल, श्री शतेश्च लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्याप्तम इखन निखाणम मैखाण सर्वलोकम मैखाण। उस श्री अर्थात नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके कलश के ऊपर रखते हैं और उसको चावल डाल करके एक चौकी के ऊपर, लाल वस्त्र डाल करके उसके ऊपर कलश को हम स्थापित करते हैं मित्रों। और इसके बाद में कलश का विधिवत पूजन करते हैं। सबसे पहले जल का छींटा देते हैं, फिर पंचामृत का छींटा देते हैं और इसके बाद में मित्रों यज्ञोपवीत है, वस्त्र है, कुमकुम है, चंदन है, हल्दी है, सिंदूर है, अनेक प्रकार के जो पुष्पों की माला है वह माला समर्पित करते हैं। धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करते हैं और भगवती के सामने वह कलश को स्थापित करते हैं। भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जब हमारे इस घर में, हमारे इस प्रतिष्ठान में, हमारे इस भवन में विद्यमान हैं, बैठी हुई हैं, आई हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं, आपका पूजन करते हैं। ऐसी ही मंगल कामना करते करते कलश देवता से भी प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी सागर हैं, जितने भी वेद हैं, सभी यहां पर मंत्रों के माध्यम से आए हैं, ये सभी हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से रोज कलश के ऊपर माला भी चढ़ाते हैं। वह जो माला पहली वाली है उसको हटा देते हैं, दूसरी माला चढ़ाते हैं। तो इस तरह से और इस समय आपको करना है 21 तारीख को नवरात्रियों में, प्रथम नवरात्र को कलश की स्थापना। फिर आप देखिए आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, एक चमत्कारिक स्वरूप आपके जीवन में उभर करके आएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और सुंदर सुंदर भावों को आप हमसे पूछ भी सकते हैं फोन के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगी।